हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्शन नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपने नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रिसर्च का टॉपिक लूँगी मैं अपना। तो रिसर्च में हमने जो लास्ट क्लासेस में टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लिया था, ठीक है, रिसर्च के क्या क्या टाइप्स थे, उसमें हमने देखा था कि मेनली पहले ब्रॉडली, ठीक है, मोटे तरीके से हमने रिसर्च को दो में बांटा था। एक था हमारा क्वान्टिटिव और दूसरा क्या टाइप था, क्वालिटेटिव। कि इसके डिफरेंस के बारे में भी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वांटिटी में हम न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं और इधर हम कौन सा नरेटिव फॉर्म में डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक है, मेन डिफरेंस है जो आपको हमेशा आपके क्वांटिटिव कहते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो क्वांटिटिव में न्यूमेरिकल डाटा आता है और क्वालिटिव में नरेटिव फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, इसलिए यहाँ पे अभी मैं डिटेल में और आपको नहीं बताऊँगी। सिर्फ एक आपको मैंने याद दिला दिया है कि क्वांटिटिव रिसर्च कौन सी होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है। तो क्वांटिटिव रिसर्च में हमने दो तरह के पढ़े थे यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल और इधर नॉन एक्सपेरिमेंटल हमने इसको पढ़ा था, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो स्टडी करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है वो मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इनके बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम लेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिख लेती हूँ मैं और दूसरी तरफ नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल मीन्स किसके टाइप हैं, क्वांटिटेटिव के, मीन्स दोनों में डाटा कैसा होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, ठीक है। और जो भी इसके फाइंडिंग्स होगी उसको हम पूरी पॉपुलेशन पे, जो भी हमारे ग्रुप है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरलाइज यहाँ पे पॉसिबल होता है एक्सपेरिमेंटल या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। तो दोनों में न्यूमेरिकल डाटा होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनली क्या होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिसर्च क्या प्रोवाइड करता है, ट्रीटमेंट, जिसको आप इंटरवेंशन भी बोल सकते हो, इंटरवेंशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। मान लो रिसर्चर ने दो ग्रुप लिए हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी दो ग्रुप रिसर्चर के पास, ए ग्रुप में 30 लोग हैं और बी ग्रुप में भी सेम उसने 30 लोग लिए, ठीक है। 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। अब इस दो ग्रुप के अंदर रिसर्चर को एलिमिनेशन पैटर्न चेक करना है दोनों ग्रुप का, ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न मीन्स दोनों ग्रुप की जो बावल हैबिट्स हैं उस वो असेस करनी है, वो उसको चेक करनी है, ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न, बावल हैबिट्स मीन्स वो स्टूल रूटीनली रोज पास कर किसका अच्छा है, या रोज़ पास करते हैं या फिर किस तरह का उनका पैटर्न है, ठीक है। वो यहाँ पे उसको रिसर्चर को असेस करना है, या फिर जो भी स्टडी कर रहा है वो असेस करेगा, ठीक है, ए और बी ग्रुप में। अब उसने, तो हमने यहाँ पे बात की कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरवेंशन देता है रिसर्चर, ठीक है। तो इंटरवेंशन यहाँ पे क्या दे रहा है रिसर्चर, जो ए ग्रुप है उसने, मान लो उसमें उसने जो हाई फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट वो इंक्लूड करवा दी, ठीक है। मींस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां उसने इसमें इस ग्रुप को ज़्यादा प्रोवाइड की, और बी को उसने सिर्फ रूटीन केयर ही लेने को बोला, रूटीन केयर यहाँ पे उसने प्रोवाइड की, ठीक है। अब इसने क्या, यहाँ पे तो अपने बाहर से कोई इंटरवेंशन उसने दी, ठीक है। पहले ए ग्रुप भी क्या रूटीन केयर ले रहा था, बट जब उसने अपनी रिसर्च स्टडी स्टार्ट की तो उस पीरियड में उसने उसको हाई फाइबर डाइट ए ग्रुप को दी, और बी को ऐसे उसने कोई भी ट्रीटमेंट, इफ कोई भी इंटरवेंशन उसको नहीं दी, ठीक है। और फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कुछ टाइम उसने फिक्स किया, ठीक है, उस
पीरियड के बाद उसने दोनों का जो एलिमिनेशन पैटर्न है उसको चेक किया, ठीक है, उसके बावन जो हैबिट्स हैं उसको चेक किया और असेस किया कि किसका ए और बी में से किसका एलिमिनेशन पैटर्न है वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं बाहर से, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद दोनों ग्रुप को असेस करता है, ठीक है। बल्कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नो इंटरवेंशन, नो इंटरवेंशन, कोई इंटरवेंशन नहीं देगा। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, सेम ही एलिमिनेशन पैटर्न के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी उसने दो ग्रुप हैं रिसर्चर के पास, ठीक है, 30 यहाँ पे लिए उसने, 30 यहाँ पे लिए, ठीक है, दोनों ग्रुप लिए, दोनों एक रूटीन जो है डाइट फॉलो कर रहे हैं, रूटीन डाइट यहाँ पे है, सेम यहाँ पे भी रूटीन डाइट है, ठीक है। तो रिसर्चर ने क्या किया कि दोनों को यही डाइट फॉलो करने दिया, और एक पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्पेसिफिक दिन के बाद, जैसे यहाँ पे हमने रखा था, सेम उतने दिनों के बाद ही दोनों का उसने जो एलिमिनेशन पैटर्न चेक किया, फिर असेस किया, ठीक है, और फिर कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर किया। तो यहाँ पे जो हमने क्या देखा, रिसर्चर ने कोई इंटरवेंशन नहीं दी, बस बिना इंटरवेंशन दिए ही दोनों ग्रुप को कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो मेन ग्रुप, मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में कोई इंटरवेंशन या फिर कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड रिसर्चर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है और इसको एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है, क्लियर आपको, ठीक है। इसलिए इसके जो नॉन एक्सपेरिमेंटल के जो टाइप्स भी आपने पढ़े थे, अगर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पे इसके इसके टाइप्स किस तरह के थे, कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही क्राइटेरिया के ऊपर एलिमिनेशन पैटर्न हमने ले लिया और दोनों ग्रुप का कंपेरिजन किया है, ठीक है। तो कंपेरेटिव स्टडीज़ हमने वहाँ इसके टाइप्स थे, दूसरा क्या था, कोरिलेशन, तो हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये इस तरह की स्टडीज़ होती है हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो रिसर्चर खुद इंक्लूड नहीं करता अपनी स्टडी में, मीन्स खुद से अपने स्टडी में इन वेरिएबल्स को शामिल नहीं करता, वो अपने आप से ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि ए और बी में एक को हमने हाई फाइबर डाइट दी और एक को हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। जो हाई फाइबर डाइट के साथ साथ अगर जो है वो वाला ग्रुप, ए ग्रुप, कुछ और भी इस तरह की मेडिसिन ले ले, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसे इंक्लूड कर ले जिससे उसका जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो अपने आप मॉडिफाई हो जाए, ठीक है, और बी को ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए ने मेडिसिन को इस तरह की ले ली, या फिर कुछ और फैक्टर भी हो सकता है जिससे उसका एलिमिनेशन पैटर्न इम्प्रूव हुआ हो, और दूसरा वो हाई फाइबर डाइट भी रिसर्चर ने प्रोवाइड की है, ठीक है, और फिर रिसर्चर दोनों का असेस कर रहा है कि किसका एलिमिनेशन पैटर्न ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि रिसर्चर को नहीं पता कि इस ग्रुप ने कोई किसी तरह की मेडिसिन भी ली है, ठीक है, बट इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो इसके रिजल्ट पर भी आएगा, ठीक है। तो अब रिसर्चर को नहीं पता कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इसकी तरफ से है या फिर हाई फाइबर डाइट की वजह से है, ठीक है। तो मगर रिसर्चर को नॉलेज में ये जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल है नहीं होते हैं, वो अपने आप ही ऐड हो जाते हैं। तो रिसर्च, तो इसलिए इसका जो अफेक्ट है वो प्रॉपर रिसर्चर को नहीं पता चलता, ठीक है। तो इस तरह से जो इस मेडिसिन ने पूरी स्टडी पे अफेक्ट डाल दिया, ठीक है, तो रिसर्चर का रिसर्च जो स्टडी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको नहीं पता कि जो हाई फाइबर डाइट की वजह से किसी भी ग्रुप का एलिमिनेशन पैटर्न इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा,
ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो अफेक्ट होता है किसकी वजह से, कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स की वजह से। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर को कन्फाउंडिंग जो वेरिएबल्स हैं उसको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है, तभी उसको अफेक्ट पता चलेगा कि जो भी उसने इंटरवेंशन दी है उसका सच में कुछ अफेक्ट आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, तो इन स्टडीज़ में हम इसको कंट्रोल करते हैं, रिसर्च को प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में उस ग्रुप को रखा जाता है कि सिर्फ किसी और फैक्टर से उसके रिजल्ट पर असर नहीं आना चाहिए। जो वो मेडिसिन या फिर जो भी वो इंटरवेंशन देता है उस इंटरवेंशन की वजह से ही उसका अफेक्ट आना चाहिए उस ग्रुप में। ठीक है, तभी वो उसका जो इफेक्टिवनेस है पता चलेगी। ठीक है, तो इसमें कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को असेस किया जाता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जाता, तो यहाँ पे कन्फाउंडिंग वेरिएबल कंट्रोल्ड और यहाँ पे नो कंट्रोल ओवर कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड में सिर्फ यही आपको पढ़ना कि डिफरेंस क्या हो सकते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या है कि यहाँ पे तो बोलेंगे कि इंटरवेंशन दिया जाता है, इंटरवेंशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ट्रीटमेंट को असेस किया जाता है, इंटरवेंशन इज असेस्ड, intervention is assessed by researcher। ठीक है, दूसरे अगर वो बोल सकते हैं दूसरे टर्म्स में कि यहाँ पे कोज एंड अफेक्ट जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। कोज एंड इफेक्ट मैंने आपको लास्ट स्टडी में भी बताया होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कोज हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इफेक्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे हाई फाइबर डाइट की वजह से क्या अफेक्ट आता है पेशेंट के डाइटरी पैटर्न पे। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से इसके ऊपर अफेक्ट आता है। ठीक है, डाइटरी पैटर्न के ऊपर, तो ये हमारा हो गया कोज और इधर हो जाता है हमारा इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है, मींस ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या हो गया, कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को यहाँ पे स्टडी किया जाता है एक्सपेरिमेंटल में, और नॉन एक्सपेरिमेंटल में रिलेशनशिप कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता, नॉट एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करते, बट हम कंपैरिजन करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, क्या करते हैं हम कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स के बीच में मीन्स एक का दूसरे के ऊपर क्या अफेक्ट है वो रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करते। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, बट हम जो दो इक्वल जो वेरिएबल्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, जो हम कोरिलेशन स्टडीज भी हम बोलते हैं टाइप्स में हमने देखा था, ये कंपैरिजन स्टडी और एक्सप्लोरेटरी स्टडी भी इसके अंदर होती है, किसी भी वेरिएबल्स के बारे में और डीप में एक्सप्लोर करना।
का, तो इस तरह की जो स्टडीज़ हैं वो हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल में आती हैं और इधर हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या थे हमारे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी और प्री एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, और इधर हमने कंपेरेटिव स्टडी पढ़ी थी, कोरिलेशन स्टडी पढ़ी थी और एक्सप्लोरेटरी स्टडी की। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स इनडिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट के ऊपर वेरिएबल चेक नहीं करते नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, बट दो रिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी इंटरवेंशन दिए बिना हम रिलेशन चेक कर सकते हैं, रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंटरवेंशन से रिलेटेड हमने बात की है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिना कोई इंटरवेंशन दिए हम रिलेशनशिप दोनों के बीच में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात होगी और इधर हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होगी। ठीक है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैंने क्लियर कर दिया है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे फिर से बताना, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी कि मैं कौन से पॉइंट की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो डिफरेंस है उसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, जो बेसिक क्लासेस है वो अभी मैं आपको करा रही हूँ ताकि जो भी आगे मैं कोई भी टॉपिक उठाऊँ तो आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, रैंडमली हम उसमें कोई भी टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले क्लियर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको रिसर्च में कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मगर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।